लैपटॉप से आयान ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली बस जो वेब क्लास प्लस है ना उस पर आपको लॉगिन करना है, ORG कोड आपको डालना है XKCZR, और उसके बाद फिर आप गोल्ड क्लासेस की ऐप पर आ जाएंगे, कोर्स पर क्लिक करना है, कोर्स पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ लैपटॉप में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री मटेरियल आपको मिल जाएंगे विद इन 10 डेज आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज ये आप लोग डिस्कस कर लो, RD शर्मा सॉल्व में करा दूंगा, लेकिन RD शर्मा का कोई बेनिफिट नहीं है आपको सॉल्व करने का, बेटर बुक आपको लोगों के लिए रहेगी ML अग्रवाल, ML भार्गव और CBSE हैंडबुक। हम इन तीनों का मिक्सर लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ML अग्रवाल जो बुक है उसके अंदर लगभग आपकी CBSE हैंडबुक भी कवर हो जाती है, इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था CBSE हैंडबुक के काफी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, तो हम ML अग्रवाल करते हैं तो उससे CBSE हैंडबुक भी हमारे साथ साथ चलती रहेगी, उसके अलावा कुछ उसमें एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं आपको करा ही दूंगा, प्लस ML भार्गव, क्योंकि उसके अंदर से हमने देखा कि इस बार कुछ क्वेश्चन उस बुक में से आए हुए थे तो वो भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे यानी जो इस बुक से अलग अलग होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा, मतलब आपके पास चाहे ML अग्रवाल है, चाहे ML भार्गव है, चाहे आपके पास CBSE हैंडबुक है, इन तीनों बुक से पूरा हमारा सिलेबस चलेगा। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में RD शर्मा भी यूज हो रही है तो भी आप मुझे बता देना कि RD शर्मा आपके स्कूल में यूज हो रही है, तो उसके जो क्वेश्चन जो डिफरेंट है और जो CBSE में आने लायक है वो मैं आपको करा दूंगा, फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा बेटा, चिंता मत करो, सॉल्यूशन मिलने आपको मिल जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा अक्टूबर तक। लाइव क्लासेस 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि हम आपका सिलेबस पहले अक्टूबर तक फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर आपको सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, आपके जो टेस्ट हैं, टेस्ट तो रेगुलर भी होते रहेंगे, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से चलेगा। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी जैसे पहले मिलती थी, हाँ लेकिन ML अग्रवाल कंप्लीट सॉल्यूशन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब मैं मतलब बुक के हिसाब से नहीं चल के मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ, तो उसके लिए हम अपना खुद का एक क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं ताकि उसमें हर एक बुक आपकी कवर हो जाए। स्टार्ट विद मैट्रिसेस, हाँ यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, सारे चैप्टर तो ऑलरेडी शुड अवेलेबल हैं उसके ऊपर। CUT के लिए ML अग्रवाल MCQ नहीं, ML अग्रवाल MCQ के अलावा और भी हमें करने पड़ेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हमें अप करना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन इन द टाइमिंग एनी टाइम, मतलब भूमिका समझाने में क्लासेस की टाइमिंग तो हमारी लगभग यही रहेगी, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ORG कोड X लिख लो, ORG कोड मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, जिसको ORG कोड चाहिए ORG कोड है इसका XKCZR, ठीक है, आप लॉग इन करेंगे वेब क्लास पास पे, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। चैप्टर आज की क्लास में तो मैं स्टार्टिंग के कुछ आपको बताऊंगा, बाकी फिर क्लासेस में हम अगर आपके स्कूलों मैट्रिक्स से ज्यादा स्टार्ट है तो मैट्रिक्स से ही आप कर लेंगे। क्लास 11 के बेसिक जहां जहां दर्शन जरूरी है ना वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए अलग से हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 7 to 8 मानसी जरूर देनी है TTS में। हाँ जी माइक बताओ, माइक जिसने ओपन किया है उसके सर, पास, हाँ बोलो। सर व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा क्या? कब हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा भाई, तक बन जाएगा सर? आपकी क्लासेस 25 मार्च से स्टार्ट होंगी, उससे पहले पहले बन जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैट्रिक से स्टार्ट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक से कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं, मैट्रिक से इसलिए स्टार्ट करवाते हैं स्कूल वाले क्योंकि वो कोर मैथ और इसका सेम टॉपिक है। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे
एक डेमो क्लास हमने वैसे ट्रायल के लिए ना एक क्लास ली थी शाम को 5:30 बजे, तो वो हमारे पास आधे पौने घंटे के अंदर आ गई। तो आप मैक्सिमम 1 से 2 घंटा मान लो, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। पेड बैच लेने पर डेफिनेटली अग्रवाल आप 90% से ऊपर ही लाओगे। अपार साइकिल के स्कूल में नंबर क्वांटिफिकेशन से स्टार्ट हुआ है। मैं पहले ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, जो जो बच्चे एनरोल करेंगे, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें एक पोल डाल दूंगा कि फर्स्ट चैप्टर से सर, स्टार्ट करें या फिर। हाँ बोलो। वो अगर इंस्टॉलमेंट में फीस देंगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? ठीक नहीं बेटा, इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट नहीं हो पाएगा। है सर। बेटर यही है कि आप फुली कर दो पे, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस ऐप वालों की तरफ से एक और ऑफर स्टार्ट किया गया है आज, रामनवमी ऑफर, उसमें आपको कुछ कूपन्स वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे। तो किस्मत आपकी अच्छी रही तो उसके अलावा शायद आपको कुछ और भी मिल जाए। आप एक बार चेक करना, उसमें आपको शो हो रहा होगा रामनवमी ऑफर। ओके सर। नेट कनेक्टिविटी आशीष, मैंने अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी हो ना मेरी इस क्लास के लिए, पुराने वाले बैच के लिए, तो ये इशू आपके साथ नहीं है, इशू बहुत लोगों के साथ आता है कि जो नेट कनेक्टिविटी है वो सही नहीं होती है, उसकी वजह से क्लास लाइव क्लास ब्रेक होती है। तो इसके लिए हम पिछले साल हम भी परेशान थे, लेकिन इस साल हमने ऐप के अंदर ही सुधार किया है कि जो आप जब जब क्लास हो जाएगी ना, क्लास को जैसे आप यूट्यूब में ऑफलाइन डाउनलोड करके रखते हो, अब इसके अंदर भी एक ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। क्लास को डाउनलोड कर सकते हो जब भी आपका नेट अच्छा लगे या अच्छा रहे, या फिर आप कहीं और जाके डाउनलोड कर लो, और उसको बाद आप फिर नेट की जरूरत नहीं। आपने एक बार डाउनलोड कर ली, जैसे यूट्यूब में आप डाउनलोड करके रख लेते ना ऑफलाइन डाउनलोड, उसके लिए आप बाद आपको नेट की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन की रेगुलर प्रैक्टिस, बिल्कुल इंटीग्रेशन की रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तो उसके बिना बात बनेगी नहीं। कर लोगे ना तो देखो, बेसिक अगर समझ लोगे, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपने कुछ 11th में पढ़ा है, तो डिफरेंशिएशन में पूरा 11th वाले से ही स्टार्ट कर लो, ताकि कुछ अगर कमी आपकी रह गई होगी तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ताकि डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा होगा तो इंटीग्रेशन भी आप आराम से कर लो। हाँ बेसिक एक बुक हम लेके चलेंगे, अगर एमएल अग्रवाल लेके चलेंगे हम एक बुक बेसिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर एमएल अग्रवाल ही प्रेफर करी है अभी तक, क्योंकि पिछले साल भी वही थी ज्यादा स्कूलों में, साल भी वही है। लेकिन उसके अलावा हम एमएल भार्गव और सीबीएसई हैंडबुक, तो मैं इन तीनों को लेके चलूंगा। तो आप कोई से भी बुक आपके स्कूल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हर सम सॉल्व नहीं कराऊंगा मानसी, हर सम मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है? बोर्ड के साथ बिल्कुल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्षत ने पूछा है कि आप इस बैच में बोर्ड के साथ साथ आप एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है ना वो भी करोगे साथ साथ। एमसीक्यूज में जहां जहां शॉर्ट ट्रिक्स एप्लीकेबल है, हर जगह एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, एक चीज दिमाग में ये रखो, ठीक है? जहां जहां एप्लीकेबल होती है वो सारी मैं आपको साथ साथ कराता चलूंगा। और आप एक एमसीक्यू के लिए मैं कहूंगा आप एक अलग से नोटबुक जरूर बनाए, जहां भी जो भी हम ट्रिक्स की बात करेंगे वो आप उसके अंदर लिखें, ताकि आपको सीयूटी में अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे दोनों काम आएगी, बोर्ड्स में भी काम आएगी और सीयूटी में भी काम आएगी। माइक का फीचर सही है, चलो बढ़िया है। ये इसीलिए है कि कुछ कुछ बच्चे टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो माइक के थ्रू इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। सर, आप चैप्टर सीरियल वाइज करवाओगे? चैप्टर बेटा दो चॉइसेस है हमारे पास, कि आप या तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें या थर्ड से स्टार्ट करें। तो उसके लिए जब व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे तो उसके अंदर एक हम पोल डाल देंगे, अगर ज्यादातर स्कूलों में फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है तो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेंगे, अगर थर्ड से स्टार्ट हुआ है तो थर्ड से कर लेंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, ऋषि फिजिक्स वाला ज्वाइन करने का कोई मेरा विचार नहीं है। दे विल पे 20 लाख पर मंथ। चलो, कौन से चैप्टर सबसे पहले करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो आप कोई सा भी कर लोगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम क्लासेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके स्कूलों में ना मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर जो आपकी समर वेकेशन होती है,
समर वेकेशन से पहले पहले आपके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन्हीं चैप्टर्स को ही ज्यादातर करवाया जाएगा मोस्ट ऑफ द स्कूल में। तो ये समर वेकेशन से पहले पहले हमें सारे चैप्टर खत्म कर भी लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं से भी यूज करो। अगर माइक यूज करना है उसके लिए आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, वो हैंड रेज करोगे तो आपको वहां पर देख जाएगा। 135 ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से आप लगा लो क्लासेस। हाँ, मैं जो फर्स्ट चैप्टर हूँ ना, फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत आपको कराऊंगा दोनों क्लास के अंदर, अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाए तो। ठीक है, माइक बेटा जिसने माइक ओपन कराया बोलो, एक बार माइक जो ओपन करता है ना बोल के चेक भी करो कि कैसे आपको यूज करना है। अंकित कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो। माइक के ऑप्शन के लिए हैंड रेस करो। बैच कोड की जरूरत नहीं है बेटा, बैच कोड की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपको जाके बस कोर्स पे क्लिक करना है और कोर्स पे आपको जो ज्वाइन लाइव ऑप्शन आता है वो ज्वाइन करना है। चैप्टर वन या चैप्टर मैट्रिसेस ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब व्हाट्सएप ग्रुप में बना लेंगे, अभी हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। आयुष आप चिंता मत करो क्लासेस का, क्लासेस का आप चिंता मत करो, आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट होगा। फर्स्ट माइक का ऑप्शन है, हैंड रेज करो, हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, तो माइक का ऑप्शन है। सर क्लासेस का टाइम क्या होगा? क्लासेस का टाइम 7 से 8, ठीक है, एक ही मतलब आईपीएल टाइम है 7 से 8। तो जैसे टॉपिक होता है, टॉपिक कई बार 10-15 मिनट लेट भी हो जाता है, तो आप 8:15 तक मान के चलो, 8:15 तक आप बिजी रहोगे क्लास में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। Yes, Ruby, 3 classes in a week. नहीं, classes alone ही every day लेने का कोई benefit नहीं है, ठीक है, alternate days पर classes हैं और enough classes हैं, आपको मतलब course की tension लेने की जरूरत नहीं है। Mike, जब आप लोग hand raise करोगे मैं तो test कर रहा हूँ, आप लोग बोलो। Recorded classes लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर available हो जाएंगे, ठीक है। मानसी मैं आपका माइक इनेबल कर रहा हूँ, टेस्ट करो आप, बोलिए कुछ। आपने हटा दिया ऑप्शन। सर तो हम कब तक नई बुक खरीद लें, लाइक एमएल अग्रवाल क्लास से पहले खरीद लें या जब आप क्लास शुरू करेंगे इसके बाद? नहीं, सिलेबस आने दो, एक बार सीबीएसई का सिलेबस आने दो, उसके बाद फिर खरीदना। उसमें फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि एमएल अग्रवाल आपको नई खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर जो पिछले साल डिलीट हुए थे टॉपिक वो सीबीएसई ने इस बार डाल दिए, तो फिर नई लेने का फायदा नहीं होगा, फिर तो आपको पुराने मिल जाए तो बेटर है। अगर नहीं मिलेगी तो उसका ऑप्शन भी फिर कुछ करेंगे, मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा जो चैप्टर उसने नहीं ले रखे, बस आने दो उसके बाद देखें। ठीक है, फिर करें स्टार्ट क्लास। अब थोड़ी देर के लिए जो माइक अपना जो चैट ऑप्शन वगैरह है ना उसमें भी कुछ मत लिखना, क्योंकि फिर मैं अभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। अभी हम पहले कुछ टॉपिक करेंगे, उसके बाद उसमें अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो फिर आप बताना। ये टॉपिक है हमारा सबसे पहला, नंबर क्वांटिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक है ये मॉडुलो अर्थमेटिक। अभी मॉडुलो अर्थमेटिक का मतलब क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक तो ये ध्यान रखो कि जो ये मॉडुलो जो वर्ड है ना, ये मॉडुलो और मॉडुलस दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल मॉडुलस हम यूज करते हैं, जैसे हम लिखते हैं -5, -5 का मॉडुलस करते हैं तो ये 5 हो जाता है, तो ये वो चीज नहीं है, ठीक है, ये वो चीज नहीं है, ये अलग है। मॉडुलो
अर्थमेटिक या मॉडुलो ऑपरेशन। अब ये यहाँ पर आपने अगर 10th क्लास में और शायद 10th क्लास में भी आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि डिलीट हो गया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया था, तो हम उसको छोड़ दें, हम और थोड़ा छोटी क्लासेस में जाते हैं। आपने कुछ नंबर्स का ना डिवीजन सीखा होगा, डिवीजन को फिर एक नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये आपने सीखा होगा। जैसे मान लो अगर आप एक नंबर लेते हो 7, 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये आ गया 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो नंबर 7 है इस नंबर को हम एक्सप्रेस कैसे करते थे, 7 इज इक्वल टू 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3 × 2 + 1, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। यही हमें 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता था, ठीक है, लेकिन आपके टाइम में डिलीट हो गया था वो, इसलिए आपने ये वाली चीज पढ़ी नहीं होगी। a = b2 + r, ए का मतलब है कि जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, और बी का मतलब है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, क्यू का मतलब है कोशेंट और आर का मतलब है रिमाइंडर। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये होती थी कि जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ मॉडुलो अर्थमेटिक में आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कंडीशन को हम और चेंज करेंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि ये हमारा, इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जब हम मॉडुलो अर्थमेटिक में आते हैं, मॉडुलो अर्थमेटिक को बोला जाता है अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर, यानी इसमें जो ये कोशेंट आ रहा है ना, इस कोशेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमने एक तरह से ना इसकी बिरादरी से बाहर निकाल दिया, कोशेंट की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसमें हम कैसे लिखेंगे इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा ना 15 mod 6 = 3, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। हमने क्या करा, 7 को हमने डिवाइड करा, किससे डिवाइड किया, 3 से हमने डिवाइड किया, तो हम लिखेंगे 7 mod 3, हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया हमारा 1। ये जो कोशेंट है इसका कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ यहाँ पर हम रिमाइंडर को यूज करेंगे, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, कि हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। और कभी कभी हम इसको क्लॉक अर्थमेटिक भी बोल सकते हैं। क्लॉक अर्थमेटिक हम क्यों बोलते हैं उस पर अभी हम आएंगे बाद, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर है, मान लो आपने एक नंबर लिया, आपने लिया भाई 73 और इसको आपने डिवाइड किया मान लो 12 से आपने डिवाइड किया, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 12 6 72, रिमाइंडर आ गया 1। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 73 mod 12 = 1, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में फटाफट कि उसको हम कैसे लिखेंगे। हमें लिखना है 39 को डिवाइड करना है हमें 4 से, इसको ये मोड वाले उसमें लिख के मुझे बताओ फटाफट कि हम कैसे लिख सकते हैं। श्रेया का आंसर आ गया 39 mod 4 = 9, दर्शन ने बताया 39 mod 4 = 9 क्यों लिख रहे हो आप लोग, देखो हमने चार की टेबल तो सबको आती है ना, चार की टेबल जब आपने पढ़ी तो ये कितने पर गया, 4 9 36, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आया। आप कुछ, आप में से कुछ ना ये लिख रहे हो, कोशेंट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना, कोशेंट नहीं लिखना, ये अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर है, हमें रिमाइंडर लिखना है, हमें 39 को लिखना है ऐसे 39 mod 4 = 3, यहां पर आपको रिमाइंडर लिखना है, ये नहीं लिखना, ठीक है। आप में से कुछ अभी 9 लिख रहे हो तो ध्यान रखो यहां पर आपको क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, यहां पर आपको जब भी लिखना होगा हमेशा यहां पर रिमाइंडर लिखा जाएगा, ठीक है। एक नंबर और लिखता हूं मैं, अब थोड़ा ध्यान से लिखना, 35 को आप डिवाइड कर रहे हो 6 से कर ले, इसको लिखो फटाफट मोड में,
35, 6, श्रेया 35, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन टू रिमाइंडर, यहाँ पर दोनों ही फाइव हो गए, क्वेश्चन टू रिमाइंडर दोनों ही फाइव हो गए। यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तो अगर आप कुछ गलती कर रहे होंगे तो वो पता नहीं चलेगा। यहाँ 45 कट गया, 45 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको ले सलोनी आपने 7 लिख दिया यहाँ पर, 7 क्यों लिखा? डिवाइड तो हमें 6 से करना है ना, तो 6 लिखना है वहां पर, ठीक है। 45 का जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये जाएगा आपके पास 7 पर। इसको नहीं लिखना, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। सलोनी आपने ये लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है, ये मत लिखो, आपको 45 लिखना है। 45 को आप डिवाइड किससे कर रहे हो? 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, ऐसे लिखना, ठीक है, क्लियर है सबको? आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोला जाएगा, इस तरह से दिया जाएगा क्वेश्चन आपको, ऐसे नहीं दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? आपको इसका आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है, आपने डिवाइड करके देखना है, या वर्बली भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आते जाते हैं। तो 39 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से, सिंपली आप डिवाइड करो, चाहे मैनुअली करो चाहे आप लिख के करो, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो चीज मैं ये बता रहा था ना, यहाँ पर किस कंडीशन में हम चेंज करेंगे, हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। आर मतलब रिमाइंडर और बी का मतलब हो गया डिवाइजर, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो रिमाइंडर होता है ये कभी भी बी से बड़ा नहीं होता। जब आप डिवाइड करते हो तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर नंबर 6 से बड़ा आ जाता तो हम इसको आगे और परफॉर्म करते, जब तक यहाँ पर नंबर इससे छोटा ना हो जाए तब तक हम उसको करते रहेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर जब छोटा आएगा तब हम उसको छोड़ेंगे। हाँ बोलो बेटा, सागर ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हम कंडीशन में और क्या चेंज करने वाले हैं, हम यहां पर लेंगे मॉडुलस। 10th क्लास तक हमने बस इतना पढ़ा, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे यहां पर मॉडुलस लगाना। मॉडुलस इसलिए लगाना है कि हम जो नंबर्स है ना उनको माइनस वाले नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं माइनस वाले नंबर से, वो अभी समझाता हूं आपको मैं। तो हमारे पास अलग अलग केसेस बन सकते हैं, कि एक केसेस बन गया कि भाई ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर। एक केस बना हमारे पास, ये हमने अभी ऑलरेडी कर ही लिया, हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में भी करा है। अगर हम ऐसा केस लेते हैं जिसमें ए तो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन बी लेस देन 0, मतलब बी नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ए ले लिया कुछ, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 17 ले लिया, और बी हमने लेना लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो जब आप नेगेटिव नंबर लोगे तो यहाँ पर आपने ले लिया मान लो -4 ले लिया। अब आपको माइनस वाले नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो ये ध्यान रखना कि यहाँ जो भी नंबर आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस में है, अगर आप सिंपली 4 लिखते तो 4 4 16 हो गया। अब -16 इससे छोटा तो है, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इससे छोटे हो सकते हैं। -16 है, उसकी 4 की टेबल में अगर मैं -3 यहाँ पर 3 से कर देता तो यहाँ पर -12 आ जाता, अगर मैं 2 से करता तो -8 आ जाता। तो हम क्या डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो उससे इमीडिएट छोटा होता है, यानी उसके पहले कोई और छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, हम ऐसे लेते हैं ना
जैसे मान लो आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो 7 से आप डिवाइड कर 7 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि भाई 2 2 जा 4 कर दें क्योंकि छोटा है ये। हम क्या करते हैं, हम 7 तक जाने की कोशिश करते हैं और उससे पहले जो नंबर छोटा आएगा हम उसको लेते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐसे कर रहे हो तो -4 * 4 छोटा तो ये भी है, लेकिन हमें इससे बिल्कुल इसके क्लोज आने की कोशिश करनी है। तो हम इसके क्लोज आएंगे कब, जब यहां पर माइनस का साइन हम लेंगे, -4 -4 हो जाएगा +16, यहां पर प्लस आएगा। अब 17 - 16 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे मॉडुलो में, हमने 17 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, -4 से डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन जो पढ़ी उस कंडीशन के हिसाब से रिमाइंडर क्या होता है, 0 या r लेस देन मॉडुलस ऑफ b, यानी r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगा रिमाइंडर। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं छोड़ना, ठीक है, उसको आपको पॉजिटिव ही रखना है। इसलिए रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, चाहे आप डिवाइड नेगेटिव वाले नंबर से कर रहे हो या नेगेटिव वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हो, आपका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात। अब जो मैं ऐसे नंबर दे रहा हूं मैं, उसका फटाफट बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, आप सिर्फ खाली रिमाइंडर बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेता हूं थोड़ा छोटे नंबर ले लेते हैं, 15 को हम डिवाइड करते हैं -4 से, ये ग्रुप वगैरह की बात बाद में करना, अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसका बताओ फटाफट। -4 इंटू करेंगे हम, ठीक है, गुड गुड, -4 इंटू -3, तो जिसको मोनो वाला समझ नहीं आना फिर से समझ लो एक बार। पहले हाँ बताओ बेटा कौन माइक यूज करना चाह रहा है, बोलो। सिद्धांत, अपार सिद्धांत, आप बार बार माइक ऑन करते हो फिर बोलते कुछ नहीं हो, ऐसा मत करो, ऐसे डिस्टरबेंस होती है। ऐसे डिस्टरबेंस करोगे तो फिर मुझे माइक परमानेंट ऑफ करना पड़ जाएगा। देखो जिसको माइनस वाला समझ नहीं आया ध्यान रखो, -4 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस जैसे हमने यहाँ पर पहले +4 ले लिया, तो आप प्लस वाला नंबर अगर लेते हो तो आप उससे ज्यादा गैप बनेगा। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर खाली मैं 3 ले लू तो यहाँ पर आएगा -12। अब लेकिन 15 और -12 के बीच में अभी ऐसे नंबर पॉसिबल है तो इससे छोटे हैं और उसके टेबल में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर और उसको छोटा करोगे, यहाँ मान लो 2 आ गया तो इधर आएगा 8, -15 +8, लेकिन और छोटा जाओ और छोटा जाओ, इस तरह छोटा कर करके आप कहां तक जा सकते हो, आप -3 तक जा सकते हो। अगर आप -4 तक जाओगे तो फिर वो बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस नंबर लिया, -4 - -3 ये बनेगा आपके पास 12। फिर इसमें से आपको इसको माइनस करना है तो ये आ गया हमारे पास 3। इस तरह से 3 हमारे पास आंसर आ, मतलब जितना उसके क्लोज आप जा सकते हो उतना क्लोज जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? चलो अब तीसरी कंडीशन लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस बार हम a को ले लेते हैं <0 और b को ले लेते हैं हम >0, मतलब a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला बड़ा ध्यान से समझना, ए नेगेटिव ले लिया हमने, मान लो ए की वैल्यू ले ली -10 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है,
अपने माइनस 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से। अब अगर आप यहां पर 3 इंटू 3 करके 9 लिखोगे तो 9 क्या होगा? अगर मैं इसको कर लू 3 इंटू 3 और यहां लिख दू मैं 9, तो माइनस 10 है और ये प्लस 9 है, तो दोनों में अगर आप देखोगे तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। लेकिन जो डिवीजन का मेथड है वो क्या कहता है कि ये वाला जो नीचे जो नंबर आप लिख रहे हो ये ऊपर वाले नंबर से छोटा होना चाहिए, तभी हम इसमें माइनस कर सकते हैं। तो यानी ये वाला नंबर हमारा ठीक नहीं है, ये बड़ा आ रहा है, तो आप इसको और छोटा करो। अब छोटा कहां तक आप करोगे? अगर आप पॉजिटिव नंबर कोई भी लोगे, जब भी अंदर नेगेटिव नंबर है आपने यहाँ पर पॉजिटिव रखा तो वो तो हमेशा बड़ा रहेगा ही रहेगा। तो यानी आपको अपने क्वेश्चन को नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा, और नेगेटिव में भी अगर मैं माइनस 3 भी लिखूं यहाँ पर तो माइनस 9 बना, लेकिन माइनस 9 माइनस 10 से तो छोटा छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, जितनी आप यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हो, जैसे यहाँ माइनस 9 है यहाँ माइनस 10 है, तो इन दोनों में से ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो यानी यहाँ पर माइनस 3 से बात नहीं बनेगी और हमें छोटा करना पड़ेगा, यानी हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर माइनस 4 पर। तो हम इसको ये ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे माइनस 4 पर, 3 इंटू माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस 12। अब जो माइनस 12 है वो इससे छोटा है, ठीक है, समझ आई ना बात, कि आपको यहां जो नंबर लिखना है वो इससे छोटा ही लिखना है हमेशा, चाहे आपको क्वेश्चन नेगेटिव लेना पड़े। रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर नेगेटिव हो गया तो मतलब फिर गलत है, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो उसके लिए तभी हो सकता है जब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से छोटा हो। अब जब डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, ऐसे तो होता है ना। जब हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लो हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम ऐसे लिखते हैं और हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। हम माइनस का साइन यहाँ पर लगाते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है, नॉर्मली डिवीजन में बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ गया, लेकिन माइनस का साइन हम लगाते नहीं। कहीं कहीं कोई कोई बच्चा लगा देता होगा, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द 99% बच्चे यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाते, क्योंकि हमें बचपन से ऐसा सिखाया नहीं जाता, हमें बता दिया जाता है कि भाई इसमें से इसको माइनस करना है। तो वही आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर माइनस 10 है यहाँ माइनस 12 है, आप इसको माइनस करने वाले हो, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी माइनस में है तो एक माइनस यहाँ पर और लगेगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये नंबर प्लस का बनेगा, ठीक है, ये नंबर प्लस का बनेगा, और आप इसको दोनों को आप सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर आपका प्लस 2 आएगा। तो यानी हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, माइनस 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमारे पास आंसर आया 2। ये वाला जो थर्ड वाला है ये बताओ मेरे को किसको समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में नहीं आया। सबको क्लियर है? गुड। अब हमारे पास जाएगी चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन जिसमें दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्वेश्चन भी नेगेटिव, क्वेश्चन नहीं जो डिवाइजर है वो भी नेगेटिव होगा और जो डिविडेंड है वो भी नेगेटिव होगा। अब लेते हैं चौथी कंडीशन, अगर ए भी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0, ये सारी कंडीशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी ना एमएल बारगाम में मिलेंगी ना एमएल अग्रवाल में मिलेंगी, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन तो सबने दे रखे होंगे, वो भी ज्यादातर पॉजिटिव वाले ज्यादातर दे रखे होंगे। तो हमने ए की वैल्यू ली, हमने मान लो माइनस ले लिया हमने 13, और बी की वैल्यू ले ली हमने माइनस 4। माइनस 13 से हमें डिवाइड करना है माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 से माइनस 13 को डिवाइड करना है। तो फिर हम वही ध्यान रखेंगे कि हम जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे वो ये नीचे जो नंबर आएगा वो इससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं माइनस 4 को 3 से करता हूं तो यहाँ बनेगा माइनस 12, और माइनस 12 इससे बड़ा है छोटा नहीं है, तो यानी हमें और छोटा इसको करने के लिए और नीचे जाना पड़ेगा, ये हमारा अभी सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे हम 4 इंटू माइनस 4 आ जाएगा माइनस 16। फिर हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे क्योंकि नीचे माइनस वाला नंबर है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं कि वो प्लस हो गया, दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो। तो माइनस 13 प्लस 16 यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, माइनस 13
mod minus 4 is equals to 6. जितने भी क्वेश्चन हमने करे अभी उन सभी में आपने ध्यान दिया होगा कि रिमाइंडर हमेशा b का जो मॉडुलस है, b की जो एब्सोल्यूट वैल्यू उससे छोटा है। ये वर्ड ध्यान रखना जरूरी, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, खाली b मत देखना। अगर आपने यहाँ पर जैसे माइनस फोर, यहाँ पर डिवाइडर क्या था हमारा, माइनस फोर था, हमारा रिमाइंडर क्या आया, थ्री आया, तो थ्री किसके बीच में आया, जीरो से फोर, जो माइनस फोर है यहाँ पर, बी की वैल्यू तो माइनस फोर है ना, तो माइनस फोर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी, प्लस फोर बनेगी। अगर यहाँ पर आप खाली माइनस छोड़ दोगे, मतलब खाली बी का इस्तेमाल करोगे, तो फिर आपकी वैल्यू सही नहीं बनेगी। तो आपकी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जरूर लगाना जब भी आप ये कंडीशन लिखते हो, ठीक है। कई बार एनसीक्यूज में आ सकती है, आपके पास कंडीशंस आ सकती है कि आपने अगर ऐसे लिखना है तो इसमें आर की वैल्यू है वो क्या होगी, तो आर की वैल्यू आप ये वाला ऑप्शन चूज मत करना, ये वाला ऑप्शन चूज करना। क्लियर है सबको यहां तक? अब इसके अलावा जो ये मोड वाले क्वेश्चन है ये इसी तरीके से आपको करने हैं। अब थोड़ा मैं क्लॉक के बारे में आपको बता दूं, इसको क्लॉक अर्थमेटिक क्यों बोला जाता है। जो मॉडल अर्थमेटिक है वो हम नॉर्मली यूज तब करते हैं जब एक रैप अराउंड सिस्टम काम करता है। मॉडल्स का यूज कहां पर किया जाता है, कोडिंग वगैरह में भी करते हैं इसको, कंप्यूटर्स में कोडिंग वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। अभी हमारे पास इतना यूज नहीं है, हमारा यूज है कि जहां पर रैप अराउंड सिस्टम काम करता है। रैप अराउंड का मतलब क्या होता है कि आप चलते चलते एक ऐसी वैल्यू पर पहुंच जाओ कि उससे जाना पॉसिबल आगे नहीं है, तो फिर आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल होता है क्लॉक। जैसे क्लॉक में यहाँ पर दो आपके पास हैंड हुए, ठीक है, सेकंड वाले को छोड़ दो, मिनट और सेकंड, इसको देखो आर एंड को। यहाँ पर जब भी मान लो अभी यहाँ पर सुनिए, ये ऐसे घूमेगी घूमेगी और घूमेगी, कहाँ तक आएगी, 12 तक आएगी। 12 पर आने के बाद इसको 1 पर जाना ही पड़ेगा, 12 के बाद 13 का ऑप्शन क्लॉक में नहीं है। अगर हम एम बी एम कंसिडर करते हैं तो 13 वाला एक कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर हम उसको भी कंसिडर कर लें तो दिन में 24 आवर्स होते हैं, 25th आवर नहीं होता। तो 24 आवर्स के बाद फिर क्लॉक को वापस अपना टाइम फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, अगले दिन पर हम पहुंचेंगे। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम हो जहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आप पहुंचने के बाद फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर में नॉर्मली हम जो क्लासरूम में यूज करते हैं वो आधा यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम डी बोलते हैं, वो हम ऐसे यूज करते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टर पूरा होता है इस तरीके से, किसी ने शायद पूरा प्रोटेक्टर देखा भी हो आप में से, इसमें 360 डिग्री तक एंगल होता है। तो एंगल जब आप लेके चलते हो, आप जीरो से स्टार्ट करोगे और जीरो से स्टार्ट करके आप 360 तक पहुंचोगे, लेकिन उसके बाद 361 एंगल आपको डिवाइस में नहीं मिलता। 361 का मतलब है कि आप एक डिग्री के एंगल पर आ गए, एक रेवोल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आप एक डिग्री पर आओगे तो वो 361 होगा। अगर आप 365 डिग्री लेना चाहते हो, इसका मतलब है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा आपने 360 का, उसके बाद प्लस में 5 डिग्री। तो इस तरह का सिस्टम जहां पर आता है इसको हम बोलते हैं रैप अराउंड सिस्टम, और उसमें हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिविजन में हम क्यों करते हैं, जैसे मान लो आप किसी चीज को किसी नंबर को आप डिवाइड करना चाह रहे हो, अब डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि भाई जैसे 13 है, अब 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप 13 को क्रॉस नहीं कर सकते, 13 आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है, आप उसको क्रॉस कर नहीं सकते, क्योंकि 7 की टेबल में जब आप 7 से इसको करना चाह रहे हो तो 7 की टेबल में 7 के बाद फिर 14 आ जाएगा, तो आपको उससे छोटा नंबर रखना है। इसलिए वहां पर भी हम जब इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं जहां पर आपको रिमाइंडर निकालना होता है, तो वहां पर हम मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास जो आएंगे उसमें सिंपल ऐसे डिवीजन वाले भी आएंगे, जैसे भी हमने करे, क्लॉक वाले भी क्वेश्चन आएंगे कि अभी इतना टाइम है तो अब से 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 100 घंटे बाद, 1000 घंटे बाद इतना टाइम है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें करना है। तो मैं आपको एक क्लॉक वाला क्वेश्चन कराता हूँ इसी तरीके का, ठीक है। बाकी फिर जब रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी और उसके बाद बाकी चीजें हम उसमें करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, आपको प्लस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये सब, लेकिन आज की क्लास में हम सारा कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक क्लॉक वाला एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे वो होता है। जैसे ये
एग्जाम्पल दे रखा है एमएल अग्रवाल की बुक में, इट इज करंटली 8 AM, अभी का जो टाइम है वो 8 बजे है। अब इसने यहाँ पर AM बोल दिया, अब AM बोला तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी नेक्स्ट 500 आवर्स, अगले 500 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा। अब अगले 500 के बाद अगर हम वैसे काउंट करने बैठे तो अगले 500 के बाद काउंट करने में टाइम काफी लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैप अराउंड सिस्टम यूज करते हैं, मतलब मॉडुलो अरिथमेटिक यूज करते हैं। हमें पता है कि हम एक दिन जब पूरा करेंगे तो उसके अंदर 24 घंटे हो जाएंगे, इसलिए 24 घंटे करके कितने दिन हम निकाल देंगे, उसके बाद हमारे पास कितने आवर्स एक्स्ट्रा बचेंगे, तो वो हम निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 500 को हम डिवाइड करते हैं 24 से। अब 24 से जब आपने इसको डिवाइड करा तो 24 2 48, 20 इससे छोटा है तो यानी 20 हमारा रिमाइंडर आ गया, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब 20 रिमाइंडर आने का मतलब क्या हो गया कि जो ये 500 आवर्स है ना, ये एक तरह से 20 आवर्स के इक्विवेलेंट है, 500 आवर्स 20 आवर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब तो यहां पर कुछ दिनों के बाद यहां पर रिमेन क्वेश्चन अगर करोगे तो 20 और आएगा, मतलब 20 दिनों के बाद आपको 20 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम यहां पर मिला। अब जब हम 20 दिनों की बात करेंगे तो 20 दिनों के अंदर हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 8 AM है, और अब से मैं ठीक कहूंगी भाई 20 दिन बाद टाइम कितना होगा, तो 8 AM ही रहेगा ना, 24 घंटे आप करते रहोगे तो अगले दिन पे पहुंच जाओगे। जैसे मैं एक दिन बात करूं कि भाई 24 घंटे बाद यानी एक दिन बाद टाइम कितना होगा, 8 AM होगा, 2 दिन बाद कितना होगा, 8 AM होगा। तो इस तरह से 20 दिन के बाद जो हमारा क्वेश्चन आया, मतलब 20 दिन के बाद अगर हम टाइम देखेंगे तो 8 AM ही होगा, लेकिन हमें उसके बाद का हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम कितना बच रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम 20 घंटे बच रहा है। तो हम ये 500 आवर्स को 20 आवर्स के इक्विवेलेंट लेंगे और इसके अंदर हम 20 आवर्स जो है वो ऐड कर देंगे, 8 AM के अंदर आपने 20 आवर्स और ऐड करे। अब 20 आवर्स आपने ऐड करे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये बन गया 28। अब 28 तो कोई टाइम होता नहीं है घड़ी में, तो यानी अब 28 को आप यहां पर क्या करोगे, अब इसको फिर 24 से आप इसका मॉडुलस निकाल दोगे, या आप सिंपली इसको आप ऐसा लिख सकते हो 24 + 4, यानी एक दिन कंप्लीट हो गया, एक दिन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अभी 4 घंटे और एक्स्ट्रा बचे हैं, तो हमारा जो टाइम होगा ये सुबह के 4 बजे का टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लॉक वाला तुम दोबारा समझ लो एक बार, देखो पहले थोड़ा कम आवर्स लम लेते हैं, जैसे कह रहा है कि भाई सुबह अभी 8 बजे, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अब से ठीक 12 घंटे बाद टाइम कितना होगा, तो 12 घंटे आप करोगे इसके अंदर ऐड, तो 12 घंटे हमने ऐड करा, इसे 12 और 8 20 हो गया, लेकिन जब हम एएम पीएम कंसीडर करते हैं तो 12 का या 20 का मतलब क्या होता है, 8 PM होता है ना, तो हमने इसको एएम पीएम कंसीडर करके हमने लिख दिया भी ये 8 PM, तो 24 आज तक तो पता है ना आपको कि टाइम कितना कितना होता है, तो 21 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 PM हो जाएगा, एएम पीएम का कंसेप्ट ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये 12 घंटे थे हमारे पास, अगर मैं ये कहूं कि 36 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, अभी 8 AM का टाइम है, 36 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, अब 36 आवर्स एक दिन के अंदर 36 नहीं होते ना, एक दिन के अंदर 24 होते हैं मैक्सिमम, तो हम ये पता लगाएंगे कि वो 24 आवर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कितने एक्स्ट्रा आवर्स और बच गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 36 को 24 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमने देखा भाई 12 बजे 12 घंटे, यानी एक दिन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, सुबह हम 8 बजे चले और हमने एक दिन पूरा कंप्लीट कर दिया, और एक दिन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास अभी 12 घंटे और एक्स्ट्रा बचे हैं। या बिल्कुल इसको और थोड़ा सिंपल कर दूं मैं, जैसे आप अपने घर से आपने घूमने जा रहे हो, अब अपने घर से चले सुबह 8 बजे और 8 बजे चलने के बाद आप, मैं कहता हूं कि 36 आवर्स तक आप नॉन स्टॉप चलते रहे, हालांकि मुश्किल 36 आवर्स तक चल नहीं सकते, लेकिन हमें क्वेश्चन समझने के लिए करते हैं,
कि 36 आवर्स तक आप नॉन स्टॉप चलें, तो आप जो डेस्टिनेशन है आपका वो कब वहां पर पहुंचोगे, तो आप क्या करोगे भाई, 8 AM से आप चलना स्टार्ट करोगे और टोटल आपके पास 36 आवर्स का है, तो अगले 24 घंटे के बाद 8 ही बजेंगे, तो आप उस जो 24 आवर्स है उसको आपने ऐड कर दिया, तो वापस टाइम आपका वही आ गया, सुबह 8 बजे आ गया। अब उसके बाद आप देखोगे भाई एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास अब कितना और है, तो वो हमने निकालने के लिए मॉडुलस का यूज करा कि हमारे पास 12 घंटे अभी एक्स्ट्रा और है, तो 8 AM के अंदर अगर हम 12 घंटे ऐड करेंगे तो टाइम हमारा तब भी 8 PM आएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने यहां पर हमें दिया था कि भाई 500 आवर्स है, तो 500 आवर्स को हम ये निकालते हैं कि भाई दिन पूरे करने के बाद 24 घंटे पूरे करने के बाद हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम और बचता है, तो हमने देखा कि भाई 500 आवर्स को अगर हमने डिवाइड किया 24 से तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 20, यानी कुछ दिन, ये हमें दिन बताने की जरूरत नहीं कि 20 दिन है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि भाई 20 दिन के बाद होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें बस रिमाइंडर को देखना है कि रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है हमारे पास, रिमाइंडर जितना भी बच के आएगा उसको आप जो टाइम आपको दे रखा होगा उस टाइम में आप ऐड कर दो, 8 बजे का टाइम था और हम ठीक उसके 20 घंटे के बाद टाइम जानना चाह रहे हैं, तो हमने देखा 20 घंटे के बाद बनेंगे 28, अब 28 घंटे तो होते नहीं है, अब 28 घंटे नहीं होते तो फिर हम उसको या तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या आप 28 का भी मॉडल्स निकाल दो, मॉड वैल्यू निकाल दो इसकी, 28 को हम करेंगे इसका, तो हमने देखा भाई 4 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि सुबह के 4 बजे का टाइम होगा, इस तरीके से निकालते हैं प्लॉट वाले क्वेश्चन। अभी क्लियर हुआ? ये क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आपके आते हैं, इतने घंटे के बाद टाइम कितना होगा, उसके लिए आप यहाँ पर जैसे अगर थोड़े बहुत आवर्स दे रखे हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं तो उसके लिए मेथड होता है बेस्ट कि आप उसकी रिमाइंडर निकालो, अब उसके लिए क्या करते हैं मॉडुलो 20 का यूज करते हैं, रिमाइंडर आपको मिल जाता है, रिमाइंडर मिलने के बाद आप उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो क्वेश्चन वगैरह जो हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी 25 से, उसमें स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को कुछ और अगर पूछना है तो वो मुझे बता दें, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप ऐप पर जाएंगे, ऐप पर जाने के बाद कोर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करोगे तो वहाँ कंटेंट सेक्शन में जाना, कंटेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, माइक किसने इनेबल किया है बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर वो मुझे था कोर्स से रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल हमने इंस्टॉलमेंट पे किया और एक साथ पूरा पे कर दिया जितना भी कोर्स का है, बट 3-4 क्लासेस के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं हम ऑनलाइन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा कुछ तो कुछ रिटर्न होगा मनी या कैसे होगा फिर? ऐसा बिना कुछ प्रोसेस अभी तक तो खैर ऐसा है नहीं, और सब बट आपको नहीं लगता वैसा रखना चाहिए क्योंकि फिर अगर अगर हमने पूरा दे दिया बस हमें लगा कि हम कर पा रहे बट फिर ऑनलाइन के बाद नहीं हो पा रहा, तो या फिर सेम चीज विद इंस्टॉलमेंट्स, हमने पहले दे दिए 2000 इंस्टॉलमेंट का जितना भी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बट पहले इंस्टॉलमेंट के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं ये 4 महीने पढ़ाई कर लिया बट अब मुझसे नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो मतलब हम कंटिन्यू ना करें ऐसा कोई ऑप्शन है एक बार हमने एनरोल कर दिया उसके बाद? उसके बाद आप मत करना, आगे मत करना, आपको क्लासेस नहीं लेनी तो डाउनलोड होता नहीं है तो लाइक अगर लैपटॉप से हमें करना है तो कैसे करें? उसके लिए मैंने बताया आपको कि आपको जाना है गूगल पर और आपको उसमें डालना है वेब क्लास प्लस, वेब डॉट क्लास प्लस। ओके सर, तो मैं अभी ट्राई कर सकता हूँ और फिर मैं अनम्यूट करके आपको पूछूं अगर कुछ डाउट हो तो? अभी जो डेमो क्लास है ये उस पर अवेलेबल नहीं है, डेमो क्लास अच्छा सिर्फ ऐप पर अवेलेबल है, मोबाइल ऐप पर। अच्छा तो सिर्फ मोबाइल पे कर सकते हैं अभी, बट एनरोल करने के बाद वहां पर भी होगा?
एनरोल करने के बाद जो क्लासेस होंगी वो सारी आपकी इस पर यहाँ पर जाके आपको आपसे पूछेगा ORG कोड। ORG कोड में आपको ये फिल करना है, ये फिल करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर आपको डालना है जिससे आपको क्लासेस लेनी है, जिससे आपने परचेज किया हुआ उसी से ही लेनी है क्लासेस। ध्यान रखना, परचेज मतलब जिससे आपने परचेज करते समय लॉग इन किया है। परचेज आप कहीं से भी करो, ओके मम्मी के पापा से, किसी भी अकाउंट से। सर, तो बेसिकली अभी ये जो फ्री वाला ये जो डेमो क्लास है, ये अभी आप पे ये क्लास प्लस पे नहीं है। ओके ये क्लास प्लस पे आ जाएगी, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी। सो और साथ में अगर हमने एनरोल किया, हम कर रहे हैं, बट कभी 1-2 दिन ऐसा होता है कि हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते, वो 7 to 8 के बीच में कुछ और चीजें आ जाती है, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं ना वो। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी। अगली क्लास से पहले पहले आप उसको क्लास को देख लो ताकि बाकी क्लास के साथ फॉलोअप कर। ऑलराइट और सर, अगर अलग से डाउट वाउट कुछ हुआ तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आपको अगर पर्सनली पूछना हुआ तो कैसे? आप बिल्कुल बिल्कुल पूछो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर। हो। ओके बेटा। हाँ केशव, जब क्लास स्टार्ट होगी तो सब कुछ स्टार्टिंग से ही करेंगे। वीकडेज ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। नेक्स्ट क्लास 25th से स्टार्ट होगी। अब रेगुलर टेस्ट भी होंगे वैभव। हाँ 25th सैटरडे है तो कोई बात नहीं, सैटरडे बढ़िया रहता है दिन। हाँ आप 25th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो मान्या, लेकिन 25th वाली क्लास आप अटेंड नहीं कर सकते। अब बाकी जो क्लासेस होंगी, जो बच्चा इनरोल्ड होगा वही अटेंड कर सकता है। ये डेमो क्लास मैंने इसीलिए ली थी ताकि आप लोगों को अगर ये डाउट हो गया, ऑनलाइन आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, चीजें कैसी रहती हैं, तो उसके लिए डाउट क्लास ली थी, तो वो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हाँ वीक में है 3 दिन क्लासेस हैं। हाँ DPP होंगे, DPP मतलब डेली तो नहीं होंगे। हाँ लेकिन जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको टेस्ट मिल लिया जाएगा। इसी स्पीड से रहेंगी लाइव क्लासेस या कम होगी पढ़ाने की, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा होता है। अगर आप लोग स्पीड से समझते जाएंगे तो हम स्पीड से करते जाएंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन वो था नेगेटिव वाला, तो उसमें टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हो। जितना जल्दी आप कर लोगे उतना स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो थोड़ा स्पीड कम रहेगी। नम्रता वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। और कोई डाउट किसी का? हाँ मान्य, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आप ज्वाइन चाहे साल के एंड में भी करो, रिकॉर्डिंग जितनी भी है इनरोल जब आप करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी। लेकिन सजेस्ट मैं ये करूंगा कि अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो लाइव ही आए, ठीक है। रिकॉर्डिंग तब देखो जब आपको कहीं इमरजेंसी में नहीं जाना, नहीं अटेंड कर पाए, तब रिकॉर्डिंग देखो। इनरोलमेंट की लास्ट डेट 30 मार्च तक है, रामनवमी तक ये डेट है, मतलब 30 मार्च की हमारी। तो तब तक ऐप के ऊपर भी ऑफर चल रहा है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। अगर वहां से आपको कुछ और मिल जाता है, कुछ कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ये डिस्काउंट जो है गोल्ड क्लासेस की तरफ से है, लेकिन इसके अलावा ऐप की तरफ से भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए तो बेटर है। सर, व्हाट्सएप ग्रुप कब बनाओगे? 25th की जो क्लास होगी उससे पहले पहले करना देंगे। ठीक है। ओके फिर फिनिश करें। ओके गुड नाइट। Thank you.